ब्यूटीफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और पॉजिटिव रहें अच्छा सोचने की कोशिश करें फॉर श्योर चलिए शुरू करते हैं और आज हम लोग पता करने वाले हैं कि नेक्स्ट चेंज आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है ठीक है नेक्स्ट चेंज आपकी जिंदगी में क्या आने वाला है क्या बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आने वाला है स्पेशली इन योर लव लाइफ ठीक है तो गायत्री मंत्र का जाप करें गायत्री मंत्र नहीं आता है तो कोई प्रेयर करें फर्श और ठीक है जी क्वीन ऑफ खाप्स स्कॉर्पियो पाइसेस थ्री ऑफ वॉन्स एरीज लियो से टू ऑफ फेनिकल्स फ्र गोखेफ्रिकॉन और एक कार्ड और आया है भाई जे में नाई लिब्रा एक्वेरियस एक और देखेंगे वी हैव सेवन ऑफ वॉन्स एंड द लास्ट कार्ड एट ऑफ सोट्स ठीक है अगेन फायर साइन एंड अगेन एयर साइन ओके गाइज लेट्स चेक विद टू इंडियन सेक्रेट से चेक करते हैं क्या बड़ा बदलाव आने वाला है आपकी जिंदगी में ठीक है स्ट्रेंथ एम्पर एम्प्रेस एंड सॉरी व्हील ऑफ फॉर्चून वी जिस लुक इट बिकाज ब्यूटिफुल ना एम्पर एंड एम्प्रेस बोथ ओके तो जो लोग काफी समय से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं काफी समय से जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे उन लोगों के लिए गुड न्यूज आने वाली है दैट उनका पार्टनर जो है उनको एक तरीके से समझाने वाला है बताने वाला है कि वो इस तरीके का जो है बिहेव क्यों कर रहा था आखिरकार वो चाहता क्या है इस रिलेशनशिप से आगे वो इस रिलेशनशिप से उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है चीज़ों को वो सही करेगा नहीं करेगा ईच एंड एवरी वो बताने वाला है एंड uh, दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि ये पर्सन आपको जो है अच्छे से अपनी दिल की बात बताने बताने वाला है कि मतलब क्या हुआ था कैसे हुआ था चीज़ें क्यों बदली उसने ऐसा क्या किया अब उसका क्या प्लान है मतलब सारी चीज़ें ना समझ रहे हो ना सारी चीज़ें वो आपको खुल करके बताने वाला है मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्रेशन आ रही हैं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था आपके लिए इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था इतना कुछ समझाते थे आप उसे स्टिल उसके समझ में नहीं आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न एटीट्यूड ईगोइस्टिक आपके साथ बिहेव कर रहा था वो पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी से जाने वाला है आउट होने वाला है और एक बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि सच में रियल लव आपके साथ करता है वो पर्सन फॉर श्योर आपकी जिंदगी में आ रहा है ठीक है वो पर्सन जो आपसे तहे दिल से प्यार करता है ना एक तरीके का वो जो आ, अंदर वाला जो एकदम प्यार है तहे दिल से वाला जो प्यार है वो जो आपसे करता है कोई ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है ठीक है आप बस अपने बारे में ज्यादा ज़्यादा सोच विचार करना बंद कर दो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग ना इस टॉक्सिक पर्सन को लेकर के काफ़ी दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये बंदा सही हो जाए ये जो स्ट्रगल आप इतने दिन से कर रहे हो ये जो इतना ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो आप ये चीज़ें खत्म हो आगे बढ़ने की कोशिश आप करने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज़ जो है जगलिंग में कन्वर्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है विद दिस टू ऑफ पेनिकल्स कार्ड कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हो कि आप इस न्यू पर्सन को चूज करो या फिर आप इस ओल्ड पर्सन को अभी भी मैनिफेस्ट करते रहो काफी लोग मुझे किसी न्यू पर्सन को जो है मैनिफेस्ट करते हुए और न्यू पर्सन को चूज करते हुए नजर आ रहे हैं आपके अंदर फुल ऑन स्ट्रेंथ आने वाली है कि आप किसी न्यू पर्सन को चूज कर लो ठीक है ये भी लग रहा है मुझे चलिए कुछ कार्ड्स और देखते हैं ये नहीं लूंगी मैं ओके नाइट ऑफ सोस व कमिटमेंट व अगेन कमिटमेंट एंड देन फाइव ऑफ पेनिकल्स ओके इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के चक्कर में ना आप अपने आपने अपने करियर की भी खूब बैंड बजाई हुई एक्चुअली ऑर्केस्ट्रा बजाया हुआ पूरा का पूरा ठीक है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं आपने बहुत कुछ सहा है इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के चक्कर में और अब आप इस सिनेरियो से बाहर आकर के कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट करना चाहते हो ठीक है और आपके पास में लव लाइफ़ में और आपकी करियर लाइफ में दोनों में एक बड़ा चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में आपके करियर के अंदर किसी तरीके का बिग ऑफर आ सकता है आपको किसी तरीके की बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है देन यू विल बी फील कि हाँ फाइनली आई गॉट वॉट एक्चुअली आई रियली डिजर्व इन माई लाइफ ओके और जो है मुझे नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड

कि आपका जो ये स्टबन और टॉक्सिक पर्सन था टॉक्सिक रिलेशनशिप था ये ओवर होने वाला है और कोई न्यू पर्सन आने वाला है आपकी ज़िंदगी में या फिर ये जो टॉक्सिक पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा स्टबल और एटीट्यूड ईगोइस्टिक बिहेव कर रहा था ये बंदा बदलेगा और अपॉलोजाइज महसूस करेगा ठीक है वन मोर कार्ड सो वी हैव थ्री कार्ड्स हेयर आंसर्स यू नीड आर कमिंग जो भी आंसर्स आपको चाहिए आपकी जिंदगी में वो मिलने वाले हैं डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे अपने घमंड को अपने रस्ते का रोड़े का पत्थर ना बनने दें रस्ते का रोड़ा ना बनने दें लक इज ऑन योर साइड और लक आपकी तरफ है ठीक है तो पॉजिटिव रहो अच्छा सोचो फॉर श्योर sure आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आ रही हैं ठीक है, इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं क्योंकि ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज का है ठीक है बाय